ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। कश्मीर में जो जंग हो रही है, गजवा हिंद वाली बात गुजर गई, लेकिन कश्मीर में जो कुछ हो रहा है ये कुफार का जुल्म है मुसलमानों के खिलाफ, और उसकी वजह ये है कि आलम इस्लाम बेहिस है, खामोश है, महज तकरीरें करते हैं, अमल कुछ भी नहीं। मैं तो हकीकत यह है कि सियासत को नहीं जानता न मैं उसमें, लेकिन मेरा ख्याल तो यह है कि हम तकरीरें वकीरें करवा के उल्टा उनको मरवा रहे हैं। जवाब दे दो उनको, कहो बाबा बर्दाश्त करो, बस हम हमारा कुछ नहीं कर सकते, वो बेचारे उनके साथ मिल जाएं, सुलह करें, कुछ करें। तुम रोज उनको उभारते रहते, वो बेचारे खड़े होते हैं, पल्ले उनके है कुछ नहीं, रोड़े ही मारेंगे ना, असला तो उनके पास नहीं है, वो और ज्यादा काफिर मारते हैं। मेरे ख्याल में आप तो मरवाने वाला काम कर रहे हैं। वो एक वकील से झगड़ा हो गया उसके मुवक्किल का पैसों पर, तो वो मुवक्किल गुस्से में आया तो उसने जनाब निकाला जूता और मारा सर पे, उसने कहा आपको ये दफ़ा लग गई, उसने फिर दोबारा मारा, उसने कहा आपको और दफ़ा लग गई, उसने कहा और मारा, वो दफ़ा गिनता रहा, वो जूते मारता रहा। इसी तरह तुम कश्मीर के साथ कर रहे हो, तुम वो उनको जूते लग रहे हैं, तुम दफे गिन रहे हो, हम ये कर देंगे और हम वो कर दें। पहले भी आज तक किसी काफिर मुल्क ने तुम्हारी मदद की है? उन्होंने अगर काफिरों का मुल्क होना तो चंद घंटे में वो आज़ाद हो जाता है, सारी ताकत आ जाती है मौके पर। मुसलमान है मरते रहे, पहले गुजरात में क्या हुआ, अब कश्मीर में क्या हो रहा, और भी किसी मुल्क में देख लें, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन।